बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक रावण दहन के मौके पर अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेलन अस्पताल में बीड़ी सिगरेट तंबाकू रावण बनाकर उसका दहन किया गया और आम जनता से अपील की गई कि वह बुराई छोड़कर अच्छाई के प्रति आगे बढ़ सके जिससे कि अस्पताल आने की जरूरत न पड़े। इस मौके पर अजमेर SP वंदिता राणा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के साथ ही अलग अलग विभागों के डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद रहे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेलन अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की प्रवेश के दौरान बीड़ी सिगरेट तंबाकू अन्य मादक पदार्थों की चेकिंग कर सभी सामग्री बाहर ही छोड़ने पर आग्रह किया जाता है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। लंबे समय से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में मादक पदार्थ बीड़ी तंबाकू और गुटखे आदि इकट्ठे हो गए थे। इसे लेकर अस्पताल प्रशासन ने एक अनूठी पहल करते हुए बुराई के प्रति अच्छाई के प्रति रावण को तैयार किया और इन सभी को भरकर उसका दहन किया गया और यहाँ आने वाले मरीजों और परिजनों के साथ ही आम जनता से अपील की गई कि वह अपने अंदर छिपी बुराइयों का दहन करते हुए अच्छाइयों की ओर आगे बढ़े। इस उद्देश्य से आज इस रावण का दहन अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर किया गया। सभी को संदेश देते हुए बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि छोड़ने की अपील भी की गई जिससे कि वह स्वस्थ रह सके। विजयदशमी की सबको शुभकामनाएं। विजयदशमी में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ने एक प्रतीकात्मक रूप से बीड़ी सिगरेट गुटखा जिसका निषेध कर रखा था अस्पताल के गेट पे, आज हम सब लोगों ने इसको जला करके एक समाज में एक मैसेज दिया है कि बीड़ी सिगरेट गुटखा ये कैंसर कर सकता है, स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है, इसको इससे दूरी बना के रखें। और आज हमारे SP मैडम के प्रेजेंस में हम सब ने, डॉक्टर्स ने और नर्सिंग स्टाफ प्रभारी सब पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रेजेंस में हम लोगों ने इसका जो बुराई का प्रतीक है रावण उसमें बीड़ी सिगरेट गुटखे का हमने दूर करने की हमने प्रतिज्ञा करी है। धन्यवाद। आज JLN अस्पताल के कैंपस में बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव जो है यहाँ पर जो यहाँ का जो प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा लिया गया है और मुझे भी इसका हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं आज किसी कार्य से अस्पताल आई थी और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। जो आज सबसे पहले मैं दशहरे की सभी को शुभकामनाएँ देना चाहूँगी और इस दशहरे के दिन जो ये बीड़ी गुटखा और सिगरेट इनका जो रावण बना के दहन किया गया है इससे समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की जो ये ख़राब आदतें हैं इनसे दूर रहकर किस प्रकार से हम अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और प्रशासन की तरफ से आम जनता को दिया गया है और मैं इस मैसेज को पूरी तरीके से एंडोर्स करती हूँ। इन सभी गलत आदतों से दूर रहने के लिए मैं आम जनता से अपील करती हूँ।